أبا عبد الله يا أبا عبد الله आप हाजरीन हसन को तमाम मेरे बिलाई भाइयों सरकार अमीर का जहूर मुबारक वाला तमाम हजरात का इस जश्न में आना कबूल मकबूल फरमाए वाला आपको सलामत रखे और ये जोश बिला आपका इसी तरह से जारी सारी रखे मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल नया एक कलाम मैं पेश करता हूँ। पिछले बरस भी अपनी मजलिस का हजरत अल्लामा डॉक्टर तमीर अख्तर नकवी की मजलिस का एक मिसरा था, जुमला था, उस पर कलाम पढ़ा था और इस बरस भी जो नई तरह से एक बात पढ़ने की कोशिश की है। चंदशाद समाज फरमा लीजिए लुत्फ आएगा मिजाउल मोमिन के लिए पेश कर रहा हूँ। और यकीनन आज चहकने महकने का दिन है, मिलाइयों का दिन है, मौलाइयों का दिन है, तो मैं पेश करता हूँ। रदीब बड़ी मुनफरद सी है और आपको यकीन लुत्फ आएगा। हुजूर मैं पेश करता हूँ भाई मिलके एक बार बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दो। अच्छा कितने बेदार बैठे हैं, नारे का जवाब भी दे दीजिए। नारे हैदरी बस ये चंद तेजी से समाज फरमा लीजिएगा, काफी हो चला है। पेश करता हूँ एक बार और सलवार पढ़िए। रदीप चंद जवाब के ताले को देखिएगा। कहता हूँ मैं कसम उठाकर चलती फिरती मैयत है। नई बात है, देखिए समाज कहता हूं मैं कसम उठाकर चलती फिरती मैयत ने। कहता हूं मैं कसम उठाकर चलती फिरती मैयत है, और जितने भी है दुश्मन हैदर चलती फिरती मैयत। शेर पेश करता हूँ, जिक्र विलायत सुनकर जिनके माथे पर बल आता है, और जिक्र विलायत सुनकर जिनके माथे पर बल आता है, और वो सब है शैतान के बरादर चलती। सब हैं शैतान के बरादर चलती फिरती मैयत है। पेश करता हूं शेर देखिए। कि तीनों हैं मनहूस सदा के, तीनों ही पर लानत हो। और हुजूर बात देखें, जब मैयत होती है ना तो उसको अगर हाथ लगा लिया जाए पहले गुस्ल से पहले तो गुस्ल मसह मैयत वाजिब हो जाता है कि नहीं ऐसा। शेर पेश करता हूं।
के गुस्ल मसे मैयत करना पड़ जाएगा छूने पर भी उन्हें, गुस्ल मसे मैयत करना पड़ जाएगा छूने पर भी उन्हें, गुस्ल मसे मैयत करना पड़ जाएगा छूने पर भी उन्हें, बचना उनसे मुनकर हैदर चलती फिरती। मैं पेश करता हूं बंदे के एक मंजर आपको दिखा रहा हूं, एक वाक्य है जो मैं इसमें शेर में पेश कर रहा हूँ। बतौर खास चलिएगा उस जगह पर जहां पर मालिक काबा टहल रहे थे और किसी ने सवाल पूछा था कि ये हाजी कौन है, सरकार इतनी तादाद में आए हैं। मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास कि चौथे इमाम ने दौराने हज दो उंगली से दिखलाया, चौथे इमाम जीरो बंदर चलती फिरती मैयत है। दूसरे तीन चार समाज फरमा लीजिएगा, मैं पेश कर देता हूँ। एक बार मिलकर बुलंद आवाज से सवाल पढ़िएगा। एक जन्म जनाबे मालिक इश्तर ने कहा कि सरकार आज मैंने इतने मुनाफिकीन को वासिले जहन्नम किया, और सरकार ने जो जवाब दिया वहीं से मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ। चल अशार पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाइएगा कि अली अली नस्लों अली नस्लों की सारी सरहदों को पार करता है। पेश कर रहा हूं तमाम हजरात मेरे मिलाए भाई। अली नस्लों की सारी सरहदों को पार करता है, जो सरहद पार होता है उसे फिनार करता है, जो सरहद पार होता है उसे फिनार करता है। ऐसा कहता हूं कि अली वालों को मंजर कशी की जरूरत नहीं होती, वो शेर सुनते हैं और तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती है। शेर पेश करता हूं कि उधर उधर सुफियान का बेटा इधर इमरान का बेटा, उधर सुफियान का बेटा इधर इमरान का बेटा, वो बेड़ा गर्क करता है ये बेड़ा पार। अरे ऐसा बिखरा हुआ नारा नहीं लगाओ ना, बुलंद आवाज से नारा लगा। नारा है तेरी वो बेड़ा गर्क करता है ये बेड़ा पार करता है। और फिर क्या होता है देखिए कि खुदा का शेर खुदा का शेर जब भी मुनकिरों पे वार करता है, खुदा का शेर जब भी मुनकिरों पे वार करता है तो पहले एक को दो और दो को चार करता है, तो पहले एक को दो और दो को चार करता है। और आखिरी शेर पेश करना मेरे माधवी अजदार भाई भी तशरीफ फरमा है, आखिरी शेर समाज फरमा लीजिएगा। बतौर खास पेश कर रहा हूं कि तू काबे में मुसल्ले पर अदा हो कर नहीं सकता, तू काबे में मुसल्ले पर अदा हो कर नहीं सकता, इबादत खाक पर जो शै कमा